जबलपुर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार भूमाफिया एवं अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में आज गुरुवार को आधारताल तहसील के अंतर्गत ग्राम रिमझा में निजी खसरा नंबर 179/2 की लगभग 25,000 वर्ग फुट पर ओम परिसर नाम से विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में लगभग 5,000 वर्ग फुट पर निर्माणाधीन भवनों को ढहा दिया गया। अतिरिक्त तहसीलदार आधारताल संदीप जायसवाल के अनुसार कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी निर्माण के लिए नगर निगम से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में ध्वस्त किए गए निर्माणों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार राजेश सिंह, CSP तुषार सिंह, थाना प्रभारी रीना पांडे, नगर निगम अतिक्रमण दल व भवन शाखा के कर्मचारी उपस्थित रहे। ये ग्राम कठौंदा में खसरा नंबर 179/2 के 25,000 स्क्वायर फीट रकबे पे ओम बिल्डर्स के द्वारा है अवैध रूप से कॉलोनी बनाई जा रही थी, जिसको नगर निगम के कॉलोनी सेल के द्वारा नोटिस देकर और उसमें 5,000 वर्ग फुट पर किए गए उनके अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।